रवि भाई, आपका काम हो गया, चेक कर लो। फोन करके परेशान कर रहे हो? अरे परेशान कहाँ कर रहे हैं मेरी जान, बस बात ही तो कर रहे हैं। दोबारा कॉल की ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? अच्छा, तो पुलिस में कंप्लेंट करेगी। अब तुम वो ही करेगी जो मैं चाहूंगा, समझे? अपना व्हाट्सएप चेक कर, और हाँ, आज रात 9 बजे स्टेशन के पीछे में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो बाय। बोल चुकी हूँ कि मेरा रास्ता रोकना बंद करो, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पसंद करती हूँ। और अब मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो और मेरा छोड़ो। याद आया कुछ? विश्वास कर रही है तेरा ये वीडियो, इसी ने अरे सुनो ना यार, मैं बताता हूँ ना तुम्हें, मैं बिल्कुल सच सच बताता हूँ। मैं और रवि काफी अच्छे दोस्त थे। मैं नौकरी करता था लेकिन रवि कुछ नहीं करता था। एक दिन रवि का फोन आया। अरे राहुल। हाँ रवि, कैसे याद किया? कहाँ है तू? बस यही यार, कुछ काम जा रहा था। बोलो। अच्छा, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं ना? यार भाई, पैसे मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे सेठ ने दिए किसी को देने के लिए। कैसे? आज बहुत बड़ी मुर्गी हाथ आई है। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई वो पैसे मेरे नहीं है, सेठ के हैं। मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अरे यार टेंशन मत ले, बस 5 मिनट की तो बात है, उससे सारे पैसे जीत लेंगे और 50-50 कर लेंगे। चल देखता हूँ यार भाई, करता हूँ मैं कोशिश, आता हूँ। ओके आ जाओ।
वो सेठ के पैसे थे, मैं कैसे पूरे करूंगा उसके पैसे, कैसे दूं उसको मैं? भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना। भाई मेरी प्लीज आप मदद कर दो, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? हाँ भाई, मुझे एक लड़की का MMS चाहिए, बोल बनाएगा? हाँ भाई, मैं दूंगा ना आपको बना के। तो ठीक है, आ मेरे साथ। उस दिन रवि ने मुझे पैसे देकर मेरी नौकरी तो बचा ली, लेकिन मेरा चैन छीन लिया। उसने मुझे एक फोटो भेजकर उसका MMS बनाने को बोला। वो फोटो देखकर मेरे दिल को गहरी चोट लगी और मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो मुझे बार बार फोन करके MMS के लिए दबाव दे रहा था। एक दिन उसका फोन आया। हेलो, ये मेरा आखिरी फोन है तेरे को। दो दिन के अंदर या तो मुझे पैसे दे दे या फिर MMS। ठीक है भाई। नेहा, नेहा कहाँ हो यार तुम? दो मिनट वेट करो, मैं अभी आई। नेहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा फोन आ गया मेरा, बाद में मिलते हैं। रुको ना राहुल। नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है। पर राहुल, तूने अपने फायदे के लिए मेरी इज्जत दांव पे लगा दी। नेहा, जो मैंने आज तक किया वो मेरी नादानी थी, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा। प्लीज मुझे माफ कर।